हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, या जिसे जिम्बार्डो प्रिजन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट क्या है और ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट था कि जिसमें बंदे खुद आए और उन्होंने कहा हम जो है कैदी बनेंगे या हम गार्ड्स बनेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू अपडेट आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट इट। जिम्बार्डो प्रिजन एक्सपेरिमेंट बेसिकली ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो कि 1973 में जिम्बार्डो नामी एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने और उसने और उसके कोलीग्स ने एक चीज़ को टेस्ट करने के लिए जो है एक्सपेरिमेंट किया। वो ये चीज़ टेस्ट करना चाहते थे कि अमेरिका में जितनी भी जेलें हैं या जितनी प्रिजन्स हैं उसमें जो रहने वाले जो कैदी हैं उनका इन्वायरमेंट उन पे क्या इफ़ेक्ट डालता है, या हम जितने भी कहानियाँ सुनते हैं कि जो प्रिजन के गार्ड्स होते हैं वो बहुत ही जालिम होते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की होती है और वो उस कैदी पे क्या असर डालती हैं। तो जो है एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए जिम्बार्डो और उसके कोलीग्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो कि साइकोलॉजिकल एक बिल्डिंग थी, साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग थी, उसमें एक बेसमेंट था। उस बेसमेंट को उन्होंने एज अ प्रिजन यानी कैद के तरह इस्तेमाल किया। तो एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए और सबसे पहले उन्होंने एक न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दी और उन्होंने ये बकायदा ये चीज़ शो की कि हम एक प्रिजन एक्सपेरिमेंट, एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जो बंदा इस एक्सपेरिमेंट में शामिल होना चाहता है उसे पर डे यानी एक दिन के $15 मिलेंगे। और उस टाइम $15 की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वो एज 1973 का था। तो इस तरह से उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़कर तकरीबन 75 एप्लीकेंट्स जो है एक्सपेरिमेंट में शामिल होने के लिए आए। और उन 75 एप्लीकेंट्स पे जब उन्होंने कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई किए ताकि वो चेक कर सकें कि इनमें से ज़्यादा कौन कौन से बंदे मेंटली, फिजिकली और जो है साइकोलॉजिकली फिट हों, बहुत ज़्यादा मैच्योर हों, तो उनमें से तकरीबन 23 बंदे जो हैं मेंटली और फिजिकली और साइकोलॉजिकल हर तरह से फिट निकले, जिनमें से तकरीबन मेरे ख्याल में 2 बंदों ने जो है बाद में उस एक्सपेरिमेंट में शायद शामिल नहीं हुए। तो जिम्बार्डो ने सबसे पहले उनको टॉस करके ये बताया कि हम टॉस करेंगे कि जिसके हिस्से में जो चीज़ आई वो प्रिजन बनेगा यानी कैदी बनेगा या वो गार्ड बनेगा। तो इस हिसाब से उन्होंने टॉस किया, उनमें से तकरीबन 10 जो बंदे थे वो बने प्रिजर यानी कैदी बने और बाकी जो बच गए 11 बंदे वो एज आ गार्ड उन्होंने रोल परफॉर्म किया। तो जी एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट हुआ, जैसा कि हम देखते हैं जब भी किसी क्रिमिनल को पकड़ा जाता है किसी स्ट्रीट पर या किसी घर पे तो विदाउट एनी नोटिफिकेशन के, विदाउट एनी किसी आइडिया के जाके पकड़ लेते हैं। तो नेक्स्ट डे से जब वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो वो जो गार्ड बने हुए थे, गार्ड्स ने क्या किया, सभी से भी उनके घर पे गए, उनको पकड़ा, उनको खींच के उसी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के उस बेसमेंट में लाए जहाँ पे उन्होंने वो कैद बनाई हुई थी। तो जिस तरह से सारी लीगल अथॉरिटीज़ होती हैं उनके फिंगरप्रिंट्स सभी के लिए गए उन मतलब कैदियों के, और वो लेने वाले वो गार्ड्स थे जो कि रोल प्ले कर रहे थे, फिंगरप्रिंट्स लिए गए, उनके पिक्चर्स ली गई, उनकी सारी आइडेंटिटी, हाउ नाउ क्रिमिनल रिकॉर्ड, सारा कुछ उनका चेक किया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को बेसिकली 6 दिन तक कंटिन्यू किया गया और इनमें जो चीज़ें हुई वो ये थी कि जिम्बार्डो ने एक चीज़ उसमें ये नोट की कुछ चीज़ें कि कुछ दिन ये रोल परफॉर्म करने के बाद जो गार्ड बने थे वो गार्ड एक्चुअल में उन्हीं गार्ड्स की तरह बिहेव करने लगे, जिस तरह का बिहेवियर जो है दूसरी कैदों में हुआ करता है, और जो कैदी यानी प्रिजनर बने हुए थे प्रिजनर ने खुद को एज अ प्रिजनर ही इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया, और वो प्रिजनर सचमुच में इसी तरह चिल्लाते थे कि जिस तरह से वो वाकई ही में कैदी हों, और जो गार्ड्स थे वो गार्ड्स भी इसी तरह उन पर क्रूलैरिटी यानी उन पर फिज़िकल अब्यूज़ किया करते थे या उनको कभी कभी
नंगा कर देते थे या उनकी पिक्चरें बनाते थे या उनकी डिसरिस्पेक्ट करते थे, मतलब गालियां गलोची ये हर चीज़ उन पर चलती रहती थी। तो उसने दो चीज़ें यहाँ से फाइंड आउट की। पहली ये कि हम चाहे जितने भी मेंटली या फिजिकली फिट हों, तो लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी भी उसी तरह चेंज हो जाती है। और जो नंबर टू है, नंबर टू ये है कि हम फिज़िकली या साइकोलॉजिकली जितने भी फिट हों, हमारा इन्वायरमेंट हम पे असर लाजमी करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो सीखने वाली बात है या जो कंक्लूजन है, सिचुएशन और इन्वायरमेंट, आपका हालात और आपका माहौल, ये दोनों चीज़ें हम पे इफ़ेक्ट करती हैं। अब इससे सीख जो हम सीख सकते हैं वो यही है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं या किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, तो आपको दो चीज़ों को कंट्रोल करना होगा, पहली सिचुएशन और दूसरा इन्वायरमेंट। क्योंकि सिचुएशन और इन्वायरमेंट ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी भी इंसान को बना सकती हैं और उनको बिगाड़ सकती है। अगर आपकी सिचुएशन ख़राब है तो उस सिचुएशन में हमें सब्र करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। अगर हमारा इन्वायरमेंट उस तरह का नहीं है तो हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं या अगर आप किसी चीज़ पर महारत हासिल करना चाहते हैं, तो अपना इन्वायरमेंट भी उसी तरह का हमें बनाना चाहिए, तभी हम उस गोल को, उस टारगेट को अचीव कर सकेंगे। तो आई होप सो कि आपको टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इजीली आप पूछ सकते हैं और हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।